बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर की जो सीरीज़ है, फर्स्ट उसमें हम देखेंगे कि बेसिकली वेबसाइट क्या होती है और वेब पेजेस क्या होते हैं, स्टैटिक डायनामिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, एंड देन फिर हम स्टार्ट लेंगे प्रॉपर अपने कोर्स की तरफ, जो कि है HTML एंड देन CSS देन जावास्क्रिप्ट की तरफ हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखें वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट कोई भी है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं। वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं, डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। तो रिलेटेड जितना भी रिलेटेड कंटेंट होता है आप उन वेब पेजेस के अंदर डालते हो। लेट सपोज होम है तो उस पर आप बेसिक बेसिक चीज़ें बताओगे। अबाउट अस के अंदर आप बताओगे कि हाँ भाई हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका मिशन क्या, आपका विजन क्या है, ये आप अबाउट अस के अंदर बताते हो। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है वो हमारे पास, मतलब डिफरेंट वेब पेजेस के अकॉर्डिंग आप वेबसाइट को मैनेज कर रहे होते हैं। वेबसाइट वेब पेजेस के बिना कुछ नहीं है, और वेब पेजेस जब मिलते हैं तो एक वेबसाइट बनाते हैं। जैसे हमारे पास हो गई google.com, हो गई amazon.com, हो गई, तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। अब जैसे वेब पेज क्या होता है, बेसिकली वेब पेज एक स्पेसिफिक कलेक्शन होती है इंफॉर्मेशन की, ठीक है, जो आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर, यूज़र ब्राउज़र के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। वेब पेज लेट सपोज़ आप इस तरह से कह सकते हो, एक वेबसाइट है उसके अंदर डिफरेंट पेजेस हैं, जैसे होम का अलग है, अबाउट अस का अलग है, गैलरी का अलग है, कॉन्टेक्ट अस का अलग है। तो ये जो चार डिफरेंट पेजेस हैं इनको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, वेब पेजेस हैं। और इनको इनकोड जनरली किस में किया जाता है, जो इनकी टेक्स्ट फाइल्स हैं वो जनरली HTML के अंदर लिखी जाती हैं। जबकि अगर फर्दर आप डायनामिक अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हो तो आप जावास्क्रिप्ट की फर्दर कोडिंग को इंक्लूड करेंगे। एंड देन अगर आप उसकी स्टाइलिंग में मजीद इजाफा करना चाहते हैं, उसकी स्टाइलिंग अच्छी करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को यूज करेंगे, यानी CSS को यूज करेंगे। अच्छा, तो ये तो था कि वेबसाइट क्या होती है और वेब पेजेस क्या होते हैं। उसके बाद जो सेकेंडली हमने बात करनी थी वो ये थी कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है एंड डायनामिक वेबसाइट क्या होती है। तो स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्टैटिक का मतलब है वो चेंज नहीं होगी, फिक्स हो जाएगी एक जगह पे। जबकि डायनामिक के वर्ड से हमें पता चल रहा है चेंज होता रहेगा, फर्दर जो वो खुद को ऑटोमेटिकली चेंज करती रहेगी। तो स्टैटिक वेबसाइट कोई भी ऐसी वेबसाइट या कोई भी ऐसा वेब पेज है जो कि सर्वर के ऊपर, सर्वर पे जिस फॉर्मेट में रखा हुआ है उसी फॉर्मेट में आगे क्लाइंट जो है उसके वेब ब्राउजर पर भी जाएगा, ठीक है। जैसा आपने रखा है, जिसने बनाई है वो वेबसाइट, सेम एज इट इज़ वैसी वो क्लाइंट के वेब ब्राउजर पर भी जाएगी, ठीक है। जनरली इसको क्या किया जाता है, इनकोड किया जाता है HTML के अंदर, CSS के अंदर, क्योंकि ये बेसिक्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी अपेयरेंस को ज़्यादातर डील कर रही होती हैं। तो क्या करते हैं कि आप इस स्टैटिक वेबसाइट्स में जनरली यही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। जबकि अगर दूसरी तरफ हम डायनामिक की बात करें तो डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, आप क्या कहते हैं कि चेंजेस और कस्टमाइज इटसेल्फ फ्रीक्वेंटली एंड ऑटोमेटिकली। क्या होता है कि चेंजेस जो है वो किसके अकॉर्डिंग होती हैं, मतलब जैसे जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। अब इसकी इनकोडिंग जो है वो भी आप डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट वेब टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनके अंदर आप इनकोड कर सकते हैं उनको। पर्ल हो गई, PHP हो गई, पाइथन होगी, रूबी होगी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, बेसिकली जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स डायनामिक वेबसाइट्स जो होती हैं उनको ईजिली क्रिएट कर देते हैं, फास्टर भी होते हैं और ईजी भी होते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो लेक्चर था इसमें हमने बस इतना ही पढ़ना था कि वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, और दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनामिक वेबसाइट। तो स्टैटिक के अंदर आप फर्दर, मतलब आपने जैसी दी है क्लाइंट के पास वैसे ही जाएगी, जबकि डायनामिक के अंदर आप इस तरह की कोडिंग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो, इस तरह की लॉजिक्स यूज़ कर देते हो कि वो अकॉर्डिंग टू द यूज़र ऑटोमेटिकली खुद को कस्टमाइज़ करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि HTML